पहले सीन की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप विंडोज के लिए लड़ती हैं एंड यू नो गुलकी का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ दिखता रहता है, तो वो सीन के बारे में अगर दर्शकों को बताना चाहेंगे तो क्या? सो टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे एंड अ वेरी मेजर सीक्वेंस इज़ गोइंग ऑन. फाइनली मैडम सर हैं ये पता चलता है. तो बेसिकली उसको याददाश्त उसी वक्त वापस आ रही है. तो कैसे गुंडों के बीच में, मतलब वो गुंडों के साथ है, फिर गुंडों से लड़ाई है बहुत सारी, बहुत लड़के मार खा के, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हालत, मैंने बहुत मार भी खाई है आज और बहुत मारा भी है. उसके बाद जाके आई गेट टू नो ओके. सो फाइनली वो दिन आज आई गया जब मुझे पता चल गया करिश्मा को कि मैडम सर ही है. सो दिस इज़ ऑफ कोर्स जब आपके लव्ड वन, व्हेन यू लूज समवन और आपको पता चलता है कि वो कभी गए नहीं थे, वो हमेशा से थे और वो आपके सामने खड़े, हाउ वुड यू फील? सो वो फीलिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो एक्सप्रेस हो ही नहीं सकती है. सो वैसा कुछ फील कर रहा है. आई थिंक 3 months, 3 months, जनवरी फेबररी मार्च, मार्च खत्म हो गया, 3 महीने बाद हसीना मलिक वापस आ रही है. ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, बट आई एम गोना मिस उर्मिला. आई वॉज मिसिंग मैडम सर. या मैडम सर इज बैक, ऑफ कोर्स दैट्स अ लॉट बेटर. उर्मिला वॉज अ, मतलब उसके साथ बहुत फन था. मैडम सर के साथ फन नहीं होता, मैडम सर के साथ एक अलग सीन्स होते हैं. बट विद उर्मिला ऑल्सो आई एंजॉय इट, बट मैं मैडम सर को बहुत मिस करी थी. हाँ, अब मैं उर्मिला को बहुत मिस करूँगी. नहीं, आई हैव टू टेल, ऑफ स्क्रीन तो हमारी केमिस्ट्री अच्छी है ये विदाउट अ डाउट, बट ऑन स्क्रीन भी हम कैरेक्टर से इतने जुड़े हुए हैं कि जब वो मोमेंट आता है तो आप हो जाता है. कैरेक्टर नहीं, हम ऑन स्क्रीन कैरेक्टर को सामने देख के ही वो अपने आप इट कम्स आउट. यार इट इज मैजिकल, वी डोंट इवन हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर इट, लाइक इट जस्ट हैपेंस. एक्टिंग इज मैजिकल मैन, मतलब इफ यू फील इट इट जस्ट कम्स आउट. तो वही है कि कैरेक्टर सोच के ही आता है. यस, हसीना मलिक इज़ बैक, योर हसीना करिश्मा इज बैक, करीना इज बैक, एंड कीप वॉचिंग मैडम सर एट 10 PM ऑन सोनी सब. लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल.